कंगना शिवसेना के बीच पंगा जारी। कंगना के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर। बीएमसी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। विवाद के बीच मुंबई पहुंची पंगा गर्ल। जाने क्यों और कैसे बड़ी तकरार। शुरू मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को घेरने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना के बीच शुरू हुई तकरार अब चरम पर पहुंच गई है। आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ विवाद अब धमकी और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। बीएमसी ने कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर नोटिस चिपकाने के अगले ही दिन कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया और भारी तोड़फोड़ की है। हालांकि बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची कंगना को कोर्ट से राहत मिली है और फिलहाल कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। विवाद और शिवसेना के विरोध के बीच कंगना रनौत मुंबई पहुंची। ऐसे में जानते हैं कि कब किसने क्या कहा और कैसे ये तकरार बढ़ती चली गई और मामला यहां तक पहुंच गया। 3 सितंबर 2020, कंगना रनौत का शिवसेना के साथ विवाद उनके एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से कर दी। 3 सितंबर को किए अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे मुंबई नहीं आने की खुली धमकी दी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुंबई मानो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो। हालांकि इससे पहले भी कंगना सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को घेरती रही हैं। कंगना के इस बयान पर शिवसेना की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर मुंबई पीओके जैसा है तो उन्हें यहां आना ही नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पीओके जाना चाहती हैं तो जाएं और खर्चा हम देंगे। 4 सितंबर 2020, राउत के इस बयान पर कंगना भड़क गई और कहा कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। 5 सितंबर 2020, उधर मुंबई की मेयर पेडणेकर ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का हक नहीं है। मेयर ने ट्वीट कर न सिर्फ कंगना के बयान की निंदा की बल्कि मुंबई और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। 6 सितंबर 2020, शिवसेना के विरोध और आरोपों के बीच पंगा गर्ल ने 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर ललकारते हुए लिखा, मैं देख रही हूं कि कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। इसके बाद संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। जब उनसे इसके लिए माफी मांगने का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि जब कंगना मुंबई और महाराष्ट्र के अपमान के लिए माफी मांगेंगी तो वो सोच सकते हैं। 7 सितंबर 2020, मुंबई महानगरपालिका के कुछ लोग कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पहुंचे। कंगना ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया और लिखा, उनकी सारी जिंदगी की कमाई इसमें लगी है। इस पर संजय राउत ने कहा कि जब आएंगी तो देखेंगे। उन्होंने कंगना के लिए एक बार फिर से अपशब्द इस्तेमाल किए। उधर शिवसेना से जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी अलॉट कर दी। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। 8 सितंबर 2020, कंगना की मुंबई आने की चुनौती के बीच बीएमसी ने कंगना के दफ्तर की दीवार पर नोटिस चिपका दिए। 9 सितंबर 2020, कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में अपने घर से मुंबई के लिए रवाना हुई तो उधर बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी उनके दफ्तर पहुंचे और जेसीबी से कंगना के दफ्तर को ढाया जाने लगा। बीएमसी की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कंगना ने पहले ट्वीट कर जहां पाकिस्तान लिखा, इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा कि मुंबई को मैंने जो पीओके कहा था वो सही साबित हुआ। इसी बीच कंगना को बीएमसी के खिलाफ हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली, जहां कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि इसी बीच मुंबई पहुंची कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर शिवसेना के विरोध का सामना भी करना पड़ा। अब मुंबई पहुंची कंगना रनौत बीएमसी के रुख से नाराज हैं और उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए शिवसेना पर जमकर निशाना साधा है।
ऐसे में जाहिर है कि कंगना और शिवसेना के बीच का ये पंगा फिलहाल बढ़ता ही नजर आ रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।